हम लोग मेटालिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे पीरियाडिक टेबल में। पीरियाडिक टेबल में लेफ्ट से जब हम राइट जाते हैं, मैं मीन्स पीरियड में जाते हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स तो नहीं बढ़ते हैं, लेकिन सेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया, लिथियम में दो सेल हैं, आउटर सेल में वन इलेक्ट्रॉन, और बेरिलियम में आउटर सेल में टू इलेक्ट्रॉन, और ये न्यूक्लियस जो होता है हमारा पॉजिटिव होता है, तो ये आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ेगा। लिथियम थोड़ा ढीला पकड़ेगा और बेरिलियम और तेजी से खींच के रखेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को। इसलिए इधर जाने पर मेटालिक करेक्टर घटता है और नीचे जाने पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। देखिए, इसमें लिथियम में दो सेल था, उसके बाद सोडियम में 1, 2, 3 सेल हो गया, इसकी न्यूक्लियस से दूरी बढ़ गई, तो ये ढीला बन गया है इलेक्ट्रॉन जो है आउटर सेल का, ये ढीला पड़ गया, इसलिए ये इसका जो कैप्चरिंग पावर है वो कम हो जाएगा। ये थोड़ा धीमे कस के नहीं पकड़ पाएगा, जितना कस के इसका नाभिक, इसका न्यूक्लियस पकड़ा हुआ है आउटर इलेक्ट्रॉन को, सोडियम का न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को उतना तेजी से नहीं पकड़ा है। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, लॉस करने की टेंडेंसी की तरफ ज़्यादा है ये। इसलिए नीचे जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ती है, उसी के साथ मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको निकालने की टेंडेंसी होती है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जब ढीला बना रहेगा, लूज रहेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन की कैप्चरिंग पावर घट रही है नीचे जाने पर, क्योंकि सेल बढ़ रहा है और न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं कि नीचे जाने पर मेटालिक करेक्टर बढ़ता है और लेफ्ट से राइट जाने पर मेटालिक करेक्टर घटता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और इनकी कैप्चरिंग पावर बढ़ती है। मैंने यहाँ लिख लिया, मेटालिक करेक्टर इंक्रीज व्हेन वी गो डाउन इन पीरियाडिक टेबल एंड लेफ्ट टू राइट वी गो इंक्रीज मेटालिक करेक्टर। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है। ओके, थैंक यू।